हाय गाइस, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई चीज़ का वीडियो, जिसमें मैं बताने जाऊँगा 1990 के दशक का एक कैमरा जिसकी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। देखिए इस सुंदर बॉक्स में क्या रखा है, देखिए हम इस सुंदर बॉक्स में देखते हैं क्या रखा है। तो हमारे सामने एक जापानीज ओलंपिया कैमरा प्रस्तुत है। दिखने में बहुत ही सुंदर, देखिए आप, ये जो है इसका फ्लैश है जिसमें अलग अलग क्वालिटी दिखाई गई है, तथा इसको आगे भी और भी अपने तरीके से इसको डिज़ाइन या मोड़ा जा सकता है, अलग अलग एंगल्स में इसका फ़ोटो लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन है, ये फ्लैश है, और इस तरफ इसका सेल लगता है, इसमें यहाँ से इसको कनेक्टिविटी दी जाती है इसकी, और बहुत ही सुंदर। और ये जो जापान का है और मोटर ड्राइव है इसमें, DL 2000A रेड आई रेडिएशन, और ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम था जिसमें उन्होंने एक नया डिज़ाइन यहाँ इसकी आई है, और ये यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं आप, आपको खड़े रहकर या फिर सामान्य आंखों से आप, कि आपका फ़ोटो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से लेना है, सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बखूबी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आती है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसका लेंस है, लेंस को भी हम आगे पीछे और यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से इसमें 16, 15, 8 और 6.3 इस तरह के लेंस दे रखे हैं। ये जो बटन है ये फ़ोटो खींचने की है, यहाँ पे रोल रीड होता है, ऑटोमेटिक रोल रीड लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद में फिर यहाँ पे ये ऑटो टाइमर लगा हुआ है, ऑटो टाइमर जो कि एक अच्छा काम करता है अपना। इसके बाद में फिर यहाँ पर है इसका कैमरा, ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो सेल लगे होते हैं, ये सेल से चलने वाला कैमरा था, और ये बहुत ही पुराना है। हमारे पास रील भी अवेलेबल है उस टाइम की, जो कि मैं आपको दिखाने जाऊँगा। ये लगी हुई है यहाँ पे इस तरह से, ये इसमें एक रील में, एक कैमरे रोल में जो थर्मल वाली होती है उसमें 26 पिक्सल्स आराम से खींच सकती हैं। ये यहाँ से भी देख सकते हैं कैमरे को और फोटोज़ को, और बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी घुमाया जा सकता है, और अपने सुविधा अनुसार इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। दोस्तों हमने बात करी आज ओलंपिया जापानीज कैमरे की, जिसमें हमने विस्तृत में जाना और समझा। यह बहुत ही पुराना मॉडल है, उस ज़माने का डिजिटल हुआ करता था, और इसका बहुत ही यूज़ किया गया है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। यह हमारे पापा के द्वारा लाया हुआ कैमरा है, जो आज से 15 साल पुराना है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।